नमस्कार। आजकल छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों में भी गेम की लत लगी। खास करके बच्चों को देखेंगे, हर घर में बच्चे गेम के एडिक्शन में आ गए हैं। स्कूल से आया नहीं, किताब रखा नहीं, होमवर्क जल्दी जल्दी किया नहीं और गेम पे खेलना शुरू कर देते हैं, जो धीरे धीरे उनकी आदत में शामिल हो जाती है। मान लो कोई भी चीज बुरा नहीं होता है, गेम खेलना भी बुरा नहीं होता, लेकिन किसी चीज की जब अति हो जाती है, वो लगातार गेम के पीछे पागल की तरह, दीवाने की तरह जब होने लगते हैं, तो एक एडिक्शन कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं ऑब्सेशन। एक तरह की मानसिक बीमारी है जो बच्चे में बचपन से ही शुरू हो जाती है। अब ये जो आदत है उनके बच्चे के पढ़ाई पे, उसके मेमोरी पे, उसके कंसंट्रेशन पे बहुत ही बुरा और नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। अब जरूरत इस बात की है कि अभिभावकों को भी सतर्क होने की जरूरत है। ज्यादातर देखा जाता है कि माता पिता खुद को इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं, मोबाइल लेके हाथ में बैठे रहते हैं। अब बच्चों को कैसे मना करेंगे, क्योंकि बच्चे कह देंगे ना कि आप तो सारा दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, फिर मुझे क्यों मना करते हैं गेम खेलने से, और फिर गेम बना किस लिए, खेलने के लिए ना। उनकी एक्सक्यूज बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को अपने साथ थोड़ी देर बैठे बातें करें, थोड़ी उनकी भी सुने, थोड़ी अपनी भी कहें, और वीकेंड में उनको ले जाएं पार्क में, इंडोर गेम खिलाएं, आउटडोर गेम खिलाएं, लोगों से इंटरेक्शन कराएं, ताकि उनका सोशल एक्टिविटीज बढ़े, फिजिकल एक्टिविटीज स्ट्रांग हो, मेंटल बढ़े। इसके लिए आप बहुत सारे पजल्स गेम आते हैं, घर में बैठ के आप बच्चों के साथ कैरम खेल सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जिससे बच्चों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ता है और उनके जो सोशल एक्टिविटीज होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो बहुत जरूरी होता है आज इस गेम की लत से निकालने के लिए माँ बाप को सतर्क होने की, क्योंकि ये गेम सिर्फ एक गेम नहीं है, एक ऐसी बीमारी में बच्चों को डाल रहा है जहां वो सिर्फ और सिर्फ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक तरह से कह सकते हैं एक नशे की तरह, और वो नशा उनके पूरी जिंदगी में एक तरह का वो एक बाधा बन के आता है, और उनका पूरा जो ग्रोथ होना चाहिए फिजिकल मेंटल वो सही नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों को एक बार पुनः कहना चाहते हैं कि बच्चों आप खेलेंगे पर किसी चीज की अति ना करें, और जरूर लोगों के साथ बाहर बगीचे में जाएं, कभी पार्क में जाएं, दोस्त बनाएं और खेलें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, लिखने की आदत डालें, और देखें आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, आप खुद भी अच्छा महसूस करें, फिजिकल ग्रोथ भी होगा और आप बहुत खुश अपने आप को पाएंगे। और ये तभी संभव होगा माता पिता बच्चे सब मिलके आपसी सह कोऑर्डिनेशन बना के एक दूसरे को समय दें और इस गेम से अपने आप को निकालें।